चेक किया, काफ़ी स्मूथली लग गया था, काफ़ी अच्छा। लेकिन यहाँ एक गलती हो गई, काफ़ी परेशानी हुई। गलती ना करें ताकि आपको परेशानी ना हो। गलतियों को बताना काफ़ी इम्पोर्टेंट समझती हूँ मैं, क्योंकि जो भी वीडियो देखे तो उससे नॉलेज ज़रूर लें कि हमें। गाइस चलिए जानते हैं O3 प्लस जो फेशियल है, ब्राइडल ग्लो फेशियल है, वो कैसा है, बाकी फेशियल से अलग क्यों है, और इसमें कितने सारे स्टेप हैं, और इसे अप्लाई कैसे करना है। तो ये है हमारा O3 प्लस का ब्राइडल ग्लो फेशियल किट, और इसका प्राइस जो है 830 रुपीज़ है। तो ये है हमारे कुछ स्टेप, सबसे ऊपर गाइडबुक है और कुछ स्टेप्स हैं जो पैक के अलावा हैं, और 3 पाउच हैं जो पैक हैं, और ये गाइडबुक हमारा, और इस गाइडबुक के ज़रिए आप हेल्प ले सकते हैं। ये 3 पाउच आपको मिलेंगे, ये फेशियल मास्क हैं और एक जेल है जिसे मिक्स करके हमें 2 मास्क तैयार करना होता है, और इसमें सारे स्टेप गाइडबुक में लिखे हुए हैं। आप गाइडबुक का हेल्प ज़रूर लें अगर आप बिगनर हो तो। और यहाँ पे ये सारे स्टेप है, यहाँ पे वाइटनिंग टोनर सेरम डिटेंट सब कुछ मिलता है हमें। स्टेप बाय स्टेप आपको लगाते जाना है, गाइडबुक को देखते हुए आपको सारे स्टेप फॉलो करना है, और टाइमिंग भी ज़रूर देखें। तो गाइज़ कुछ बातें गाइडबुक में नहीं बताई जाती हैं, तो मैं आपका हेल्प करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले क्लींजिंग मिल्क जो है उससे क्लीन करके, सेकंड आपने डिटेन पैक लगाना है, और डिटेन पैक को पोंछने के बाद आपने यहाँ पे टोनर दिया गया है, इस टोनर को लगाना है। टोनर लगाने के बाद ना गाइज आपको फेस को पोंछना नहीं है, उसी के ऊपर आपने क्रीम मसाज करना है। क्रीम मसाज की टाइमिंग है 10 से 15 मिनट और तरीका है अपवर्ड एंड सर्कल मोशन में आपने मसाज देना है। क्रीम मसाज कंप्लीट होने के बाद हमने लगाना है वाइटनिंग सेरम, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 5th नंबर पे वाइटनिंग सेरम है। क्रीम को अच्छी तरह से साफ करने के बाद ही वाइटनिंग सेरम लगाएं, और सेरम लगाने के बाद फेस को पोंछना नहीं है। वाइटनिंग सेरम के बाद फेस मास्क का नंबर है, लेकिन यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो, 6 और 7 जो नंबर है दोनों को एक साथ मिक्स करके एक मास्क तैयार करना है, और वो मास्क है फेशियल पाउडर मास्क, और फेशियल पाउडर मास्क को फेशियल पाउडर मास्क जेल के साथ मिक्स करना है। ये है हमारा फेशियल पाउडर मास्क जो हम एक कांच के बाउल में डाल लेंगे, पूरा डालना है, थोड़ा भी नहीं बचाया, क्योंकि फेस के लिए इतना ज़रूरी है पूरा डालना। ये है देखिए फेशियल पाउडर मास्क, नीचे जेल लिखा हुआ है, तो ये जेल है। इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात बता दूँ मैं, ये गाइडबुक में आपको नहीं मिलेगा, इन दोनों को जब आप मिक्स करते हो ना गाइस, तो फटाफट मिक्स करके फेस पे अप्लाई करना है। क्लाइंट को या फिर अपने फेस को आपने जब अप्लाई करना है तो रेडी कर लेना है कि मिलाते ही लगाना है। अगर आप स्टे करते हैं यानी कि थोड़ा 1 मिनट भी रुक जाते हैं तो ये जम जाता है और आपके फेस पे स्मूथली लगता नहीं है। तो दोनों मिक्स करने के बाद कुछ इस तरह का पेस्ट तैयार हो जाता है फेस मास्क, और इसे हम अपने फेस पे अच्छी तरह से पूरा फैला लेंगे। आंखों के ऊपर भी लगा सकते हैं इस फेस मास्क को। तो यहाँ मैं फेस को गीले टिश्यू से क्लीन कर रही हूँ। टिश्यू जो है फेशियल टिश्यू अलग आता है, कॉटन का आता है, कपड़े जैसा होता है, तो उसे गीला करके हमने क्लीन कर लेना है फेस को, या तो आप टॉवल का भी यूज़ कर सकते हैं, पर हम पार्लर में यूज़ एंड थ्रो फेशियल टिश्यू ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फटाफट लगाना होता है और थोड़ा भी रुकना नहीं है, अगर आप रुक जाएंगे तो ये जम जाएगा। सांस लेने के लिए बस नोज़ के ऊपर ना लगाए आप, थोड़ा सांस लेने के लिए छोड़ दें, अदरवाइज़ आप पूरे फेस पे अच्छी तरह से लगा के इसे आपने 15 से 20 मिनट अपने फेस के ऊपर छोड़ना होता है। आफ्टर 20 मिनट मैं इसे उतार रही हूँ और ये कुछ इस तरह से उतरता है। यहाँ आप देख सकते हैं फेस पे काफ़ी अच्छा ग्लो आ चुका है, बिल्कुल ठंडा हो चुका है फेस, हाइड्रेट हो चुका है, एक मॉइस्चर का लेयर आ चुका है फेस पे, मतलब फुल हाइड्रेट करता है ये वाला जो फेशियल किट है आपके स्किन को। तो ये वाला स्टेप जो था 6 और 7 स्टेप था, और अब है स्टेप नंबर 8, और स्टेप नंबर 8 जो है अर्बुटिन सीरम है, और वो वाला सीरम अप्लाई करने के बाद 2 से 3 मिनट छोड़ेंगे, और उसके बाद और एक फेस मास्क लगाएंगे। और ये वाला मास्क जो है अर्बुटिन पाउडर मास्क है, इसको हम पानी के साथ, इसका रेशियो होगा 1:2:2, और पानी के साथ मिनरल वाटर के साथ मिक्स करके हम इसे तैयार करेंगे।
अर्बिट्यून पाउडर मास्क को बनाते समय हमें क्या गलती नहीं करना चाहिए ये जान लीजिए गाइस। ये जब हम फेस मास्क तैयार करते हैं तो मिनरल वाटर के साथ तैयार करते हैं, पीने वाले पानी के साथ, और इसका रेशियो 1:2 है, यानी कि जितना पाउडर है उसके 2 गुना हमने पानी लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें इस मास्क को तैयार करना है। ये वाला पाउडर मास्क जो है कुछ इस तरह का तैयार हो जाता है, और इसमें खास बात यह है गाइस कि इसे मिक्स करने के बाद तुरंत अप्लाई करें, अगर आपने 5 सेकंड के लिए भी इसे छोड़ दिया तो ये जम जाता है। तो यहाँ बनाने के साथ साथ मैंने अपने हाथों पे लगा के चेक किया, काफ़ी स्मूथली लग गया था, काफ़ी अच्छा। लेकिन यहाँ एक गलती हो गई, मैंने ना कम से कम 5 से 10 सेकंड किसी काम के वजह से छोड़ दिया और यहाँ पे ये जम गया। फिर मुझे अप्लाई करने में काफ़ी परेशानी हुई, तो मैं चाहती हूँ कि गलती ना करे ताकि आपको परेशानी ना हो। और इसका फुल रिजल्ट अगर आपको चाहिए तो पेस्ट तैयार करने के तुरंत बाद ही आपको क्लाइंट के ऊपर अप्लाई कर देना है। यहाँ गलतियों को बताना काफ़ी इम्पॉर्टेंट समझती हूँ मैं, क्योंकि जो भी वीडियो देखे तो उससे नॉलेज ज़रूर ले कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो यहाँ पे अगर थोड़ा भी आप रुक जाते हैं ना गाइस तो ये इस तरह से जम जाता है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि थोड़ा पानी मिक्स कर लेते हैं, तो चलिए मैंने वो भी करके आप लोगों के लिए दिखाया है। अदरवाइज़ मुझे तो पता ही है कि ये कुछ होने वाला है नहीं, तो यहाँ मैंने हाथ से मिक्स किया क्योंकि आपके स्पैचुला से तो ये मिक्स होने वाला नहीं था। तो यहाँ हाथ से मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये किस तरह का बन गया है, और उसके बाद जब मैं अप्लाई कर रही हूँ तो ये अप्लाई नहीं हो रहा है पूरे, मतलब जम जाने के बाद कुछ नहीं हो सकता है। तो इसीलिए आप ये गलती ना करें, बनाएं और तुरंत लगाएं। और यहाँ आप देख सकते हैं मैंने हाथ पे जो बनाने के साथ साथ लगाया कितना स्मूथली लग चुका है, लेकिन फेस पे जो लगाया है वो स्मूथली नहीं लगा। बस गलती ना करें। और यहाँ 15 से 20 मिनट के बाद हमें इसको निकालना था, बट गलती होने के कारण इसे निकालने में भी दिक्कत हो रही है, नहीं तो ये बिल्कुल इस तरह से निकल के आता। तो उसे अब हम गीले टिश्यू से साफ़ कर लेंगे फेस को। तो अब हमारा लास्ट स्टेप है, और ये है वाइटनिंग क्रीम। और वाइटनिंग क्रीम में SPF 30 है, यानी कि आपको एज ए सनस्क्रीन लोशन भी इसे यूज़ कर सकते हो। तो ये लास्ट पे हमने क्रीम अप्लाई किया और ये इनका फेशियल यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।